अचानक से रीस्टार्ट हो रहे विंडोज सिस्टम, दुनिया भर के यूजर्स परेशान हो रहे हैं। आखिर किस वजह से थम गई दुनिया और कौन है इसका जिम्मेदार? माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आपको बताएंगे हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बड़े बग के आने की खबर है। इस बग के कारण दुनिया भर के विंडोज यूजर सिस्टम की स्क्रीन ब्लू हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विंडोज सिस्टम में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD का एरर दिख रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम को अचानक से बंद करना पड़ रहा है या फिर रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बग की वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश प्रभावित हुए हैं और इसके कारण कई बड़े बैंकों के काम भी ठप पड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि ये बग माइक्रोसॉफ्ट के हालिया क्राउडस्ट्राइक अपडेट के बाद आया है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस के ठप होने के कारण कई एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। इस आउटेज के कारण फ्लाइट बुकिंग, कैंसिलेशन से लेकर चेक इन तक की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों की सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज के कारण ठप हो गई हैं। फ्रंटियर ने कहा है कि वो सामान्य परिचालन फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। भारत में इंडिगो, आकाशा और स्पाइसजेट ने भी सेवा ठप होने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के ठप होने के कारण पूरी दुनिया ठप हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के तमाम बैंक, बिजनेस, एयरलाइन क्लाउड सर्वर पर निर्भर है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के डाउन होने के कारण भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और कईयों का समय बदला गया है। एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों के इस आउटेज के कारण सेवाओं में हो रही देरी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। आपको ये भी बता दें कि अधिकतर कंपनियां क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल कर रही हैं और इस वक्त क्लाउड सर्विस देने वाली तीन प्रमुख कंपनियां हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल शामिल है। आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के आउटेज से क्या क्या प्रभावित हुआ है। इस आउटेज पर दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि वैश्विक आईटी आउटेज के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं। हम अपने यात्रियों को असुविधा कम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे एयरलाइंस के संपर्क में रहें। भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट और आकाशा एयरलाइंस की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। भारत के अलावा अमेरिका में कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों की सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज के कारण ठप हुई हैं। इस आउटेज के कारण एयरलाइंस कंपनियों के बुकिंग, चेकिंग, बोर्डिंग, वेब चेक इन जैसी सभी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज के कारण दुनिया के कई बैंकों के काम भी ठप पड़ गए हैं। इसके अलावा वे बिजनेस भी प्रभावित हुए हैं जो क्लाउड पर निर्भर थे। कई मीडिया हाउस की वेबसाइट के भी ठप होने की खबर है। इसके कारण कई बिजनेस के आईटी नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। कायदे से देखा जाए तो ये आउटेज सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के कारण नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट पीसी और तमाम कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म क्राउडस्ट्राइक के डाउन होने के कारण है। क्राउडस्ट्राइक विंडोज पीसी को एडवांस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देती है। क्राउडस्ट्राइक के ही डाउन होने के कारण भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान समेत दुनिया भर के कई देश प्रभावित हैं। क्राउडस्ट्राइक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि वो फाल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज होस्ट कर क्रैश की रिपोर्ट से अवगत हैं और उसके इंजीनियर इसे फिक्स करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।